किसान की हत्या करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नौचीर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21 जून 2023 को मुदलिया की और जाने वाले मार्ग से युवक को ओम प्रकाश के ट्यूबेल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर युवक को जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 20 जून 2023 को मृतक का भाई विपिन कुमार पुत्र भगवान सहाय निवासी बागरी कटेलिया नौचील द्वारा अपने भाई मृतक प्रेमपाल उर्फ बबलू की हत्या ट्यूबेल पर सोते हुए मनु पुत्र रामवीर द्वारा ईंट पत्थर से चेहरा कुचल कर देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। आपको बता दें कि मृतक के ट्यूबवेल से पानी की पाइप चोरी हो गई थी, जिसका शक मृतक मन्नू पर करता था। मृतक द्वारा इस संबंध में मन्नू से पूछताछ करने पर दोनों के बीच आपस में कहा सुनी हो गई। दिनांक 19 की रात्रि में मन्नू अपने गांव वापस लौट रहा था। मृतक प्रेमपाल अपने पुत्र अवनीश के साथ ट्यूबवेल पर पड़ी चारपाई पर लेटा हुआ था। मृतक द्वारा चोरी की पाइप के संबंध में टोके जाने के कारण चोरी के आरोप से नाराज हो गया और मनु मृतक के साथ मारपीट व कहासुनी करने लगा, जिस पर मृतक का पुत्र मौके से अपने घर अपनी मम्मी और बाबा को बुलाने चला गया। इसी दौरान मनु द्वारा मौके पर पड़े ही पत्थर व लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और मृतक के पजामा में रखे 6000 व फोन निकाल कर मौके से फरार हो गया। दिनांक 20 जून 2023 को थाना नौझील के सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम प्रेमपाल शर्मा था, जो अपने ट्यूबवेल पे सोए हुए थे, उनकी रात में मनु और मनोज नाम के व्यक्ति जो उसी गांव का है, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि प्रेमपाल शर्मा जी को ये शंका थी कि कुछ दिन पहले उनके ट्यूबवेल पर से पानी देने वाली जो पाइप होती है उसकी चोरी हुई है और उनको अंदेशा था कि ये चोरी मनोज और मनु ने की थी। इस बात पे इनकी कहासुनी हुई और इन्होंने इसकी शिकायत जो आरोपी है उसके परिजनों से भी की थी। इसी से उनका कहना था, इसी से छुट होके इस व्यक्ति ने 1930 की इंटरवीनिंग राइट नाइट में जो प्रेमपाल शर्मा जी थी उनकी हत्या कर दी। अभियोग पंजीकृत करने के बाद तत्काल पुलिस टीम इसमें लग गई और सराहनीय कार्य करते हुए अभियुक्त मनोज मन्नू को गिरफ्तार किया। उसने पूरी घटना कार्य किया जाना कबूला, साथ ही साथ उसकी निशानदेही पे जो आला कतल है वो बरामद किया गया। साथ ही साथ जो मृतक के जेब से मोबाइल फ़ोन और 6000 रुपये नकद लिए गए थे, मृतक का मोबाइल फ़ोन, उस 6000 रुपये में से कुछ पैसे का एक मोबाइल फ़ोन जो आरोपी ने खरीदा था वो, तथा शेष 2980 रुपये पुलिस टीम ने बरामद किए। जो आरोपी के कपड़े थे जिसपे रक्त की छींटे पड़ी हुई थी वो कपड़े भी बरामद किए गए। साइंटिफिक साक्ष्यों का समावेश करते हुए क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करा के आगे भी इस मामले में प्रभावी पैदी करके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस कड़ी बनी है।